देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का रविवार को महानगर में आगमन हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। राष्ट्रपति के सुरक्षा व्यवस्था के लिए जमीन से आसमान तक की व्यवस्था की गई है। इसी के मद्देनजर शनिवार को एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक पीएम की फ्लीट से सड़क मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया। साथ राज्यपाल महोदय भी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। कल प्रस्तावित कार्यक्रम के हिसाब से कल शाम को आएंगे 4:55 में आने के लिए, और उसके बाद यहाँ गोरखपुर में यहाँ सर्विस हाउस में रुकेंगे। फिर अगले दिन यहाँ महाराणा प्रताप जो फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। वहाँ जो बच्चे जो पुरस्कार वाले बच्चे करेंगे, तो 11 बच्चे का वो गोल्ड मेडल से पुरस्कार भी करेंगे परसों 10 तारीख। उसी लेके हम लोग पूरा व्यवस्था करा रहे हैं। देखे हैं चप्पे चप्पे में फोर्स लगाएंगे। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में जो बड़े ऑफिसर एडीजी लेवल ऑफिसर भी आए हैं, उसका रिव्यू हो रहा है, समीक्षा हो रहा है। सिक्योरिटी लेके हम लोग पूरा सख्ती है। खासतौर पर यहाँ 3 फोर्स है, खासतौर पर एयरफोर्स से, जो मिलिट्री से, नेवी से और पैरामिलिट्री फोर्स SSB इत्यादि सभी लोग से भी हम लोग फोर्स लेकर के टीम के साथ लगाए हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग क्लियर अप होंगे। आज शाम को एक ट्रायल रन करेंगे, वैसे महामहिम जी का रास्ता के हिसाब से हम लोग फ्लीट लेके आएंगे उसी समय का, उस पर कोई कमी है तो उसको भी दूर कराएंगे। साथ साथ इस रास्ता पे सफाई लेके हम लोग दिन रात भर टीम लगी हुई है, और रंगाई पुताई और जो लाइटिंग व्यवस्था रोशनी सारे चीज़ का भी व्यवस्था करा रहे हैं। एक तरफ से ये जो हम चाहते हैं महामहिम राज्यपाल महोदय महामहिम जी आ रहे हैं और राज्यपाल महोदय भी आ रहे हैं, उन लोगों को ये यादगार रहेगा गोरखपुर आने के बाद। फिर उनका मन में होना चाहिए था ये गोरखपुर का विजिट, उनके मन में एक तरफ से एक अच्छा मेमोरी लेके जाना चाहिए था, उसी तैयारी के साथ हम लोग।